उस जंगल में सभी पक्षी एक जैसे नहीं थे। कोई दुखी तो कोई सुखी, कोई अमीर तो कोई गरीब। उन्हीं गरीब पक्षियों में एक चिड़िया भी थी जो गोरी कवि के घर का काम किया करती थी। चलो कुकू बेटा, अपना स्कूल बैग उठाओ और मेरे साथ चलो। आप ही मेरे पास ही बैठकर अपना होमवर्क कर लेना। मामा, गोरी आंटी मुझे बहुत डांटती हैं। मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, घर में भी मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर गोरी कवि के घर काम करने चली जाती है। यहाँ बैठकर चुप करके अपना होमवर्क करो और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। वो छोटा बच्चा कुछ बोले बिना अपनी माँ की तरफ देखकर हाँ में सर हिला देता है। ये क्या चिड़िया, इसे आज फिर साथ ले आई हो? इसके पंजे बहुत गंदे हैं, सारा फ्लोर गंदा कर देगा। नहीं नहीं गौरी, आप देख लें, मैंने तो अपने बेटे को आज ही अच्छे से रहलाया है। चलो अब बातें ही सुनाती जाओगी, कोई काम भी कर लो। पहले रसोई का काम कर लो और फिर बाद में सफाई करना। बर्तन भी धोने हैं और मेरे सर में सरसों का तेल भी लगाना है। वो चिड़िया रोज की तरह अपने काम में लग जाती है। कवि का बेटा जगु कवा कुकू से थोड़ी दूर बैठकर अपने खिलौनों से खेलने लगता है। वो चाबी वाली रेलगाड़ी चलाता है जो कुकू के पास आकर रुक जाती है। कुकू जल्दी से अपना पंख रेलगाड़ी को लगाते हुए कहता है, ये रेलगाड़ी कितनी सुंदर है, मुझे इसका रंग बहुत अच्छा लगता है। छोड़ो, ये मेरी है, गंदी ना कर देना। मम्मा कहती है गरीब बच्चों के हाथों में कीटाणु होते हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू फिर से अपने खिलौनों से खेलने लग जाता है। चिड़िया रसोई में काम कर लेती है, झाड़ू भी लगा लेती है। वो शाम तक काम करती है। फिर वो गोरी कवि के घर से बाहर थोड़ी लकड़ियाँ उठाकर रखती है। जग्गू कौवा खेलते खेलते अपनी रेलगाड़ी कुकू के पास ही रखकर भूल जाता है। चिड़िया का बेटा अभी बचा था, उसे वो रेलगाड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। वो गौर गौर से उसे देखे जा रहा था और फिर न जाने उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है, वो रेलगाड़ी उठाकर अपने बैग में डाल लेता है। कुकू चलो बेटा चलें, घर जाने का समय हो गया है। फिर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं। अगर मैंने रेलगाड़ी घर में बैग से निकाली तो मम्मा पूछेंगी, मैं कल नदी पर जाकर इससे खेलूंगा। वो अपने मन ही मन में ऐसा सोचता है। मम्मा मम्मा जल्दी आए, मम्मा मेरी बड़ी रेलगाड़ी नहीं है जो पापा ने मेरे जन्मदिन पर लेकर दी थी। जग्गू बेटा गौर से देखो, कहीं इधर उधर रख दी होगी। मम्मा नहीं है, वो कुकू के पास पड़ी थी, वो उठा कर ले गया है मेरी रेलगाड़ी। ये गरीब पक्षी हमेशा चोरी करते हैं। चलो मेरे साथ चलो, मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ कुकू के घर जाता है। चिड़िया और कुकू बैठे बातें कर रहे थे। बेटा हमेशा ईमानदारी से मेहनत से काम करना, जैसे आपके पापा के मर जाने के बाद मैंने मेहनत की, जैसे आपके पापा मेहनत करते थे। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं देखती हूँ। कुकू बहुत डर जाता है, कहीं जग्गू ना आ गया हो। कहाँ है वो चोर, कहाँ है? कौन कौन गोरी बहन, आप किसकी बात कर रही हैं? कुकू आंटी, कुकू मेरी रेलगाड़ी चुरा लाया है। ऐसा कहते हुए वो माँ बेटा उनके घर में आ जाते हैं। कुकू बेटा मेरी तरफ मुंह करो अपना, बेटा जग्गू क्या कह रहा है? कुकू चुप था, वो बहुत डरा हुआ था। मैं क्या पूछ रही हूँ बेटा? ये ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कहते हुए गोरी आगे बढ़ती है और कुकू को मारना शुरू कर देती है। मारे ना मारे, ना मारे मेरे बेटे को, ना मारे, ये अभी छोटा है। मेरे बैग में है रेलगाड़ी। देखा अब बोला ना,
चिड़िया अपने बेटे की उस हरकत पर बहुत शर्मिंदा भी थी और दुखी भी। जग्गू कुकू के बैग से रेलगाड़ी निकाल लेता है। कल से कोई जरूरत नहीं है मेरे घर काम पर आने की, मैं किसी चोर को अपने काम पर नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कुकू रोए जा रहा था और डर रहा था कि अब उसकी मम्मा उसे बहुत मारेगी, मगर मामा चिड़िया चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। मम्मा सॉरी, मैं भूल गया, मुझसे गलती हो गई। चिड़िया अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। चोट तो नहीं आई मेरे बेटे के? कुकू मेरी जान, हम गरीब पक्षी हैं, हमारे पास ईमानदारी के सिवा और है ही क्या। आपने जो किया वो बहुत बुरी बात है। मैं जानता हूँ मम्मा, ना जाने मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझसे कब ऐसा हुआ। मम्मा मेरी वजह से गोरी आंटी ने आपको काम से निकाल दिया। मम्मा सॉरी, सॉरी मम्मा। ऊपर वाला बेहतर करेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, अब आप सो जाएं। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ सो जाता है। समय गुजरते देर नहीं लगती, 2 साल गुजर जाते हैं। उन 2 सालों में जंगल में बहुत कुछ बदल गया था। चिड़िया का बेटा कुकू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद जंगल में एक अपना ढाबा खोल लेता है, जो कुछ ही महीनों में एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाता है। चिड़िया के पास बड़ा घर था, उसके बेटे ने उसके सारे दुख मिटा दिए थे और वो बहुत खुशी की जिंदगी जी रहे थे। अब देखते हैं कि उन 2 सालों में गोरी कव्वी और जग्गू कव्वे के साथ क्या हुआ। कालू कव्वा जो गोरी का पति था, जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और उसे सजा हो जाती है। गोरी का घर बिक जाता है और वो एक संदूक साथ लेकर एक टूटे हुए घोंसले में जिंदगी गुजार रही थी। जग्गू बेटा, संतान बढ़ापे का सहारा होती है और आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। आप मेरे लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं ला सकते हो। मम्मा क्या करूं? जहां मैं जाता हूं कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता, सब मुझे चोर का बेटा कहते हुए वहां से निकाल देते हैं। शायद हमें ये सजा हमारे ही कर्मों की मिल रही है। आप घर में ही रहें बेटा और मैं ये कुछ पुरानी चीजें देकर खाना लेकर आती हूँ। फिर गोरी कव्वी वो संदूक उठाती है जिसमें कुछ पुरानी चीजें थीं और अपने घोंसले से निकलती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं और मेरा बेटा 2 दिन से भूखे हैं। इस संदूक में कुछ पुराना सामान है, आप वो सामान रख लें और मुझे खाना दे दें। हम यहाँ कबाड़ का काम नहीं करते, चलो भागो यहाँ से। वो रेस्टोरेंट कुकू का था, जो थोड़ी दूर खड़ा सब देख रहा था। रुको माँ जी, आप खाना ले जाएं और ये संदूक भी साथ ले जाएं। आपका धन्यवाद बेटा। फिर गोरी कव्वी खाना ले लेती है। बेटा, इस संदूक में कुछ पुरानी चीजें हैं, मेरे ये किसी काम की नहीं, ये आप रख लें। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। कुकू उस संदूक को गौर से देखे जा रहा था और फिर उसे खोलता है। संदूक को खोलते ही कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस संदूक में कुछ कबाड़ के साथ वही रेलगाड़ी भी थी जो आज से 2 साल पहले उसने जग्गू की चुराई थी। कुकू भीगी आंखों के साथ वो रेलगाड़ी लेकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर जाता है। कुकू बेटा, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मम्मा, मैंने आज खाने के बदले रेलगाड़ी खरीद ली है। पागल, मेरा बेटा भी पागल है, ये कैसे हो सकता है? फिर कुकू अपनी मम्मा को वो रेलगाड़ी दिखाता है, जिसे मम्मा चिड़िया पहचान लेती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मम्मा, कुछ याद आया? हाँ बेटा, मुझे सब याद आ गया। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है,
बेटा सच ही किसी ने कहा है, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। प्यारे दोस्तों, मेहनत और लगन से हम अपनी जिंदगी के सभी सपने पूरे कर सकते हैं, इसलिए हमेशा मेहनत करो। जंगल में सर्दियों का मौसम आने ही वाला था, इस कारण सब पक्षी सर्दियों की तैयारी करने में लगे हुए थे। चिड़िया बहन, इस बार बरसात में बारिशें ज्यादा हुई हैं और मेरे पिताजी बताया करते थे कि जब बारिश ज्यादा हो तो ठंड भी ज्यादा होती है। कबूतर भैया, ठंड को लेकर तो सभी पक्षी परेशान हैं और हमने तो अभी तक ठंड से निपटने के लिए कोई तैयारी भी नहीं की। इसीलिए तो मैं आया हूँ। जंगल के बाहर पास वाले गांव में किसान की कपास की फसल है, चलो हम अपने गर्म बिस्तर बनाने के लिए वहाँ से कुछ कपास ले आते हैं। दूसरे पक्षियों को बता दिया है क्या आपने? आप चलें, हमारे दूसरे दोस्त बड़े पेड़ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में कौवा, कौवी, तोता और बुलबुल भी उन्हें देखकर उड़ते हैं। वो सब जंगल के पास वाले गांव में पहुंच जाते हैं। अरे कबूतर भैया, यहाँ तो कपास की फसल किसान ने काट ली है। इस बार हमने आने में देर कर दी और किसान अपने कपास की फसल घर ले गया होगा। तो फिर क्या हुआ? चलो हम सब किसान के पास जाते हैं, थोड़ी बहुत कपास तो किसान हमें दे ही देगा। मैं इंसानों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो हमें ऐसे कपास नहीं देंगे, बदले में कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगे। जाने में क्या दिक्कत है, चलो हम किसान के पास जाते हैं। किसान तो घर में ना था, मगर उसकी पत्नी घर में कपास को धूप में फैलाए बैठी थी। माँ जी, हम आपके पड़ोसी ही हैं, इसी जंगल में घर है हमारे, आप हम पर दया करें और हमें अपने गरम बिस्तर बनाने के लिए थोड़ी सी कपास दे दें। मैं आपको कपास जरूर दे देती, परंतु मेरे पति जी मुझे मारेंगे, मैं उनकी इजाजत के बिना आपको कपास नहीं दे सकती। अम्मा जी, हम कौन सा ज्यादा कपास मांग रहे हैं, बस थोड़ी सी ही दे दें, हम कपास में सूखे पत्ते और अपने पुराने टूटे हुए पंख मिला लेंगे। अभी यही बात हो रही थी कि किसान भी वहाँ आ जाता है। छी छी, चलो भागो भागो यहाँ से, मेरी कपास को खराब ना कर देना, कहाँ से आ जाते हैं ये छोटे पक्षी। थोड़ी सी कपास लेने आए हैं अपने लिए गर्म बिस्तर बनाने के लिए। किसान जी, ठंड आने ही वाली है और हमारे पास समय ज्यादा नहीं है कि हम कहीं और से कपास ढूंढ लें। हमारे जंगल के पास आपकी ही फसल थी। हम फसल में गए थे, परंतु इस बार तो आपने अपनी फसल जल्दी ही काट ली। मैं कई दिनों से कड़ी मेहनत से अपनी कपास को सुखा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम पक्षियों में बांट दूँ, चलो भागो यहाँ से। ऐसे तो जाने वाले हम भी नहीं, हम तो कपास लेकर ही जाएंगे। सीता, जरा मेरी बंदूक देना, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाते ये पक्षी। बंदूक का नाम सुनकर तो पक्षी वहाँ से भागते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अगर ये किसान जिद्दी है तो जिद्दी मैं भी बहुत हूँ, मैं इस किसान से कपास लेकर रहूँगी। परंतु कैसे गौरी बहन, अगर फिर से गए तो ये किसान बंदूक चला देगा और आपको अच्छे से पता है बंदूक भागने का मौका नहीं देती, बहुत तेज दौड़ती है बंदूक की गोली। आप सब यहीं बैठे हमारा इंतजार करें। चल भी कालू, मैं अभी किसान को सीधा करती हूँ। परंतु कहाँ, मैं किसान के पास नहीं जाऊँगा, मुझे बंदूक से बहुत डर लगता है। किसान के पास नहीं बल्कि सागर पर मेरे दोस्त गिरजू बादल के पास। जब मेरा दोस्त गिरजू किसान की सूखी कपास पर बरसात करने आएगा तो फिर देखूंगी मैं ये किसान हमें कपास कैसे नहीं देता। वाह गोरी, आइडिया तो अच्छा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर कालू और गौरी सागर पर बादलों की तरफ चल देते हैं। जल्द ही कालू कौवा और गौरी कौवी सागर पर पहुंच जाते हैं। गिरजू बादल सोया हुआ था। गिरजू, ओए गिरजू, उठो, मैं हूँ गौरी तुम्हारी बचपन की दोस्त। आवाज सुनकर गिरजू बादल उठ जाता है। गौरी, गौरी कौवी, बड़े दिनों बाद आई हो, बताओ कैसी आई हो। फिर गौरी गिरजू बादल को पूरी बात बताती है।
हमने बहुत विनती की उस किसान की। उसकी पत्नी तो बहुत अच्छी थी, परंतु उसका पति जो बड़ा किसान बना फिरता है, हमें थोड़ी सी कपास नहीं देता। क्या मुझसे डरकर वो आपको कपास दे देगा? उसने कई दिनों की मेहनत से अपनी कपास सुखाई है और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कपास फिर से गीली हो जाए। तो फिर चलो। गोरी कव्वी और कालू कव्वा गिज्जू बादल को साथ लेकर वापस चलते हैं। वो देखें सामने, गोरी कव्वी और कालू गिज्जू बादल को ले आए हैं। अब तो किसान मान ही जाएगा और हमें थोड़ी थोड़ी कपास दे देगा। फिर वो सब गिज्जू बादल को साथ लेकर किसान के पास जाते हैं। किसान के घर बादल जोर से गरजता है। अरे अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो तेज धूप थी, अब ये बादल कहाँ से आ गए? मैं लेकर आई हूँ, अब करो बंदूक की बात। अब किसान जी प्यार से ही थोड़ी थोड़ी कपास हमें दे दो, अगर ना दी तो हमारा दोस्त गिरजू अभी के अभी बरसात शुरू कर देगा और आपकी सारी कपास भीग जाएगी। नाना पक्षियों, तुम तो मेरे भी बाप निकले, ऐसा ना करना। मैंने पहले ही बहुत मुश्किल से कपास सुखाई है, इतने भी खुद गर्ज ना बनो किसान जी। वो दिन भूल गए जब तुम्हारी कपास की फसल सूख रही थी और तुम रो रहे थे? तब मैं ही अपने दोस्तों के साथ बरसात करने आया था और फिर तुम्हारे कपास के खेत में पानी ही पानी कर दिया था। हम पक्षी भी आपकी फसल से फसल दुश्मन कीड़े मारते हैं, और कभी आपने सोचा है कि बदले में आप हमें क्या देते हैं? किसान की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। सुनिए जी, अब जल्दी से पक्षियों को कपास दे दें, अगर ये बादल बरस गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर किसान मान जाता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं भूल गया था। आप अपनी जरूरत के अनुसार मेरी कपास ले सकते हैं और जाकर अपने लिए गर्म बिस्तर बना लें। फिर सभी पक्षी थोड़ी थोड़ी कपास ले लेते हैं और सब दोस्त वहाँ से चल देते हैं। दोस्तों, मैं अब जा रहा हूँ वापिस सागर पर, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे गिज्जू बादल सागर की तरफ और सभी पक्षी वापस अपने अपने घरों को चलते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि अब ठंड आने से पहले पहले वो अपने लिए गर्म बिस्तर बना सकते थे। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास में पक्षियों का ख्याल रखें। दोस्तों, कभी आपने किसी मैना के घोंसले में देखा है कि उसमें क्या क्या होता है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना।